इग्नू में जून 2024 टर्म एग्जाम का जो रिजल्ट है कब रिलीज होने वाला है, साथ ही साथ इस बार के एग्जामिनेशन में पास होने के लिए आपको कम से कम कितने मार्क्स की आवश्यकता है, इस वीडियो में डिटेल में हम बात करने वाले हैं ऑफिशियल अपडेट के साथ में, साथ ही साथ मिनिमम पासिंग मार्क्स जो इग्नू के सभी कोर्सेज के रिगार्डिंग रहेगा, एक एक करके सभी पॉइंट क्लियर आउट करूंगा आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखें। साथ ही चैनल पहली बार आए हो, मेक श्योर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए फ्रेंड बात करते हैं कि करके सभी पॉइंट्स पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इग्नू के एग्जामिनेशन रिजल्ट की अपडेट के बारे में। देखिए, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर आउट किया था कि इग्नू ने पोर्टल ऑन कर दिया है, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर चुका हूँ। और ये पोर्टल है इग्नू के जून 2024 टर्म एग्जाम्स के रिगार्डिंग, इग्नू ने ये लिंक ओपन कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि अगर आप इस पर चेक करते हैं इनरोलमेंट नंबर डाल के, तो आपको देखने को मिलेगा एरर, जो कि 500 इंटरनल सर्वर एरर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देर इज़ ए प्रॉब्लम विद द रिसोर्स यू आर लुकिंग फॉर एंड इट कैन नॉट बी डिस्प्ले। मतलब कि अभी पोर्टल्स में एरर है, सर्वर एरर कर रहा है। कारण यह है कि अभी सिर्फ लिंक ओपन हुआ है, जो रिजल्ट है उसका लिंक ही ओपन हुआ है, अभी अपडेट नहीं हुई है। ये 14 तारीख की अपडेट है जिसमें लिंक ओपन किया गया जून 2024 टर्म एग्जाम्स के रिगार्डिंग, आपका रिजल्ट जो है इसी पोर्टल पे आएगा। लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है क्योंकि जो मिनिमम टाइम होता है वो 30 डेज का रहता है आपके रिजल्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। और कुछ कंडीशंस में जैसे जो अर्ली डिक्लेरेशन है उनका जो रिजल्ट है वो 30 डेज से पहले आ जाता है, उनके लिए थोड़ा टाइम कम लगता है क्योंकि उनका जो रिजल्ट होता है वो 30 डेज के बीच में ही देना होता है। सो इसी से आपका एक पहला पॉइंट क्लियर आउट होगा कि पहली अपडेट कब आएगी। वैसे तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर आउट किया था कि रिजल्ट की जो एक्चुअल अपडेट है कब आने वाली है। मैं इस वीडियो में स्पेशली बात कर रहा हूँ क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही ये है, रिजल्ट कब आने वाला है। तो रिजल्ट की जो पहली अपडेट आएगी वो आपको जून के लास्ट वीक में देखने को मिलेगी, और उसी के साथ साथ आपकी अपडेट्स चलती रहेंगी, बिकॉज एक दिन में आपको पूरा रिजल्ट कभी भी अपडेट नहीं होता है, बिकॉज एग्जाम्स भी आपके चलते रहेंगे और रिजल्ट की धीरे धीरे अपडेट्स आपको देखने को मिलने वाली है। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ जरूर होगी, पहले जो रिजल्ट आएगा वो अर्ली डिक्लेरेशन वालों का आएगा, जिन स्टूडेंट ऑलरेडी कहीं पे अप्लाई कर रखा है, जिनको रिजल्ट की आवश्यकता है उनके पेपर्स पहले चेक होंगे, उनका रिजल्ट जल्द से जल्द अपडेट किया जाएगा, जिससे जिन स्टूडेंट्स को आगे अप्लाई करना है, वैसे तो सभी को करना है, बट जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, जिन्होंने फीस भी पे कर रखी है 1000 रुपीज़ जो अर्ली डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग होती है, तो उनका रिजल्ट पहले डिक्लेयर किया जाएगा। उसके बाद आपका भी रिजल्ट आएगा जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं। और जो रिजल्ट का प्रोसेस होता है वो 45 डेज जो आपका इन जनरल केसेस रहता है। साथ ही साथ एक और चीज़ क्लियर आउट कर दूँ, एक दिन में रिजल्ट नहीं आता है, टाइम लगता है। सो टेंशन नहीं लेने की, सर हमारा एक ही सब्जेक्ट का है, काफ़ी स्टूडेंट का यही क्वेश्चन होता है कि सर हमारा तो जो रिजल्ट है ना वो एक ही सब्जेक्ट का शो कर रहा है, बाकी हम फेल हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, अगर आप फेल होते हैं तो भी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, आपके इस पोर्टल पर रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर आप फेल भी होते हैं, रिजल्ट नहीं आया दैट मीन्स आपका रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है। अपडेट होने में इग्नू कई बार काफ़ी समय लेता है, लेकिन आपके जो नेक्स्ट टर्म एग्जाम होंगे उससे पहले पहले आपकी सभी अपडेट्स आ जाएंगी। तो ये है रिजल्ट के बारे में। अब बात करते हैं मिनिमम पासिंग मार्क्स के बारे में। अब देखो, जो इस बार के जून 2024 टर्म एग्जाम है उसमें पास होने के लिए अगर मैं बात करूं, पहले बात करते हैं यार बैचलर डिग्री की, क्योंकि बैचलर डिग्री में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और मास्टर डिग्री में भी, बट हम एक एक करके बात करेंगे। बैचलर डिग्री में यार देखो, आपके 6 क्रेडिट के कोर्स होते हैं जिनका पेपर जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, इसमें आपको मिनिमम जो स्कोर करने हैं वो 35 नंबर करने होते हैं। वहीं अगर आप BCA के स्टूडेंट हो या फिर कोई और प्रोग्राम है तो वहाँ पर जो आपको स्कोर करना होगा 40 मार्क्स मिनिमम रहेगा, समझ लो इस बात को। अगर आपका नॉर्मल CBCS की कैटेगरी में आ रहे हैं, जैसे BSc कर रहे हो, BCom कर रहे हो, तो भाई आपको मिनिमम 35 स्कोर करने आप पास हो जाओगे, इससे एक भी कम हुआ तो आप फेल हैं, ठीक है, आपको दोबारा से देना पड़ेगा। और इसमें एक और बात क्लियर कर दूं, ये सिर्फ थ्योरी के लिए है, ऐसा नहीं कि असाइनमेंट की मिक्स करके आप पास हो रहे हैं कि यार इसमें कुछ मतलब 30 लिया है, उसमें लगभग 15-20 नंबर लिए पास हो गए। नहीं, आपको दोनों में इंडिविजुअली पास होना होगा, 100 मार्क्स का है दैट मीन्स 35 नंबर कम से कम, असाइनमेंट भी सेम चीज़ है, आपको मिनिमम स्कोर करना होगा, ठीक है। इसके बाद में अगर पेपर आपका 50 नंबर का है तो वहाँ पे आपको 18 नंबर कम से कम चाहिए पास होने के लिए, और अगर आप BCA के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे 20 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड रहने वाले हैं। अब बात करते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम की। अब मास्टर डिग्री में जो मार्क्स रहते हैं वो हैं 100 में से 40 आपके मिनिमम है पास होने के लिए, इससे एक भी कम है तो आप फेल हो रहे हैं, 40 हैं तो आप पास हो रहे हैं। और 50 मार्क्स के पेपर में आपको मिनिमम जो स्कोर करना होता है वो 20 मार्क्स स्कोर करना होता है, अगर आप इससे नीचे आ रहे हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो
तो आपको कम से कम 20 तो स्कोर करना ही पड़ेगा अगर आपको पास होना है तो। इसके बाद में इग्नू में ग्रेडिंग सिस्टम किस प्रकार से रहता है वो देख लीजिए, और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ए ग्रेड की बात करें तो हम 80 अबव की बात कर रहे हैं, 80 या उससे अबव। बी ग्रेड की बात करें तो यहाँ पे 60 और 79 के बीच में रहने वाला है। और यहाँ पे ना एक चीज़ होती है डिवीज़न की, जब हम बात करें तो डिवीज़न में अलग चीज़ रहती है और ये ग्रेड्स हैं। डिवीज़न में जब हम बात करें तो हम कहेंगे भाई अगर 60 से अबव है मतलब ए और बी में आ रहे हो तो वो फर्स्ट डिवीज़न कहलाती है, अगर आप सी और डी में जा रहे हो तो सेकेंड डिवीज़न, और यहाँ पर आ रहे हो थर्ड डिवीज़न, दैट मीन्स आप फेल हो रहे हैं। ये चीज़ें रहती हैं ग्रेड सिस्टम, पासिंग मार्क्स और जून 2024 टर्मड एग्जाम्स रिजल्ट। ये पॉइंट्स थे आपके लिए, और पोर्टल का लिंक ओपन हो गया लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, सर्वर एरर है, अपडेट नहीं है। जैसी अपडेट आएगी, रिजल्ट की पहली अपडेट आती है, चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, डिफरेंट सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, सो मेक श्योर आप फॉलो कर लें। और हाँ, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एनालाइज वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है जून 2024 टर्मड एग्जाम की, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। साथ ही साथ आपके लिए प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन गैस पेपर अवेलेबल हैं, आप लोग बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम की तैयारी को एकदम बूस्ट करने वाले हैं, सो जरूर से चेकआउट करें, अगर आपको नीड होती तो आप परचेस कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई अपडेट तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, नेक्स्ट अपडेट के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं एक और अपडेट एक और न्यू वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, बाय दोस्तों।